हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था मल्टीलाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड, आर कमांड, सर्कल कमांड, रेक्टेंगल कमांड। आज मैं आपको टेक्स्ट कमांड के बारे में बताऊंगा कि ऑटोकैड में टेक्स्ट कैसे लिखना है, टेक्स्ट में क्या क्या होते हैं वो कमांड बताऊंगा। तो दोस्तों, टेक्स्ट का शॉर्टकट कमांड है टी। सबसे पहले हम कीबोर्ड से टी टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही स्लाइड करेंगे एक पॉइंट सरफेस पे लेके, तो आपको ऐसा विंडो बनेगा और ओके कर देंगे। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऐसा आप टेक्स्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, ऐसा आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको अगर यहां से टेक्स्ट का हाइट छोटा करना है तो यहां से आप छोटा कर सकते हैं। आपको बोल्ड करना है तो ऐसा बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां पे आपको टेक्स्ट के स्टाइल अगर बदलना है आपको तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है ऐसा, और यहां से आप ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, टेक्स्ट कमांड के लिए आपको टी लेना है, कीबोर्ड से एंटर करना है, सरफेस पे आपको एक पॉइंट लेके ऐसा माउस को स्लाइड कर देना है और वहां पे क्लिक कर देना है। वहां से आप ऐसा टाइप कर दीजिए जो भी आपको फॉन्ट चाहिए। तो दोस्तों, टेक्स्ट में ये जो कमांड मैंने बताया वो मल्टीलाइन टेक्स्ट कमांड है एक्चुअली में। अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज करना है, यहां से ड्रॉ में आप अगर जाएंगे तो आपको टेक्स्ट में दो टाइप के टेक्स्ट मिल जाते हैं। आपको दो टाइप के टेक्स्ट मिल जाते हैं, एक मल्टीलाइन और एक सिंगल लाइन। ये देख लीजिए, टेक्स्ट में मल्टीलाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन। तो ये दोनों होता क्या है एक बार वो देख लेते हैं। पहले जो मैंने बताया था वो मल्टी लाइन टेक्स्ट था और ये है सिंगल लाइन टेक्स्ट। ये मैंने सिलेक्ट किया और दूसरा सरफेस पॉइंट में एंटर कर दिया, यहां मैंने लिख दिया। तो दोस्तों, ये होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन साइज छोटा करना होगा तो आपको दूसरे कमांड्स इस पे यूज करने पड़ेंगे। ऐसा मल्टीलाइन टेक्स्ट टाइप का टेक्स्ट एडिटर इस पे नहीं आएगा। तो ये है टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड देने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक मल्टीलाइन कमांड, मल्टीलाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टीलाइन के लिए अगर आप सिंपल सिंपल से जाएंगे, टी एंटर करके, तो आपको ऐसा मल्टी लाइन मिल जाता है। एंटर करेंगे तो आप यहाँ और भी कुछ लिख सकते हैं। इस टाइप से ये मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड आता है। सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना है आपको तो ड्रॉ में जाके आप टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट मिल जाता है। ये आप सिंगल लाइन बनाते हैं जैसा वैसा, दूसरा पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट, जो मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, कमांड है हमारे पास आर्क का। अगर हमको आर्क बनाना है तो क्या करना है, तो उसके लिए कमांड होता है एआरसी। एआरसी एंटर करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आर्क में तीन पॉइंट होते हैं, एक दो और ये तीन, ऐसा आप आर्क बना सकते हैं। ये हो गया आर्क। आर्क में और भी अपने को ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग, कि आपको इसमें अगर लेंथ देना है आर्क का या फिर आर्क का एंगल देना है तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप ड्रा में जाएंगे, ड्रा के बाद इतने सारे आर्क के पॉइंट, आर्क के ऑप्शंस आ जाते हैं। आर्क बनाने के लिए एक तो थ्री पॉइंट ऑप्शन है, उसमें तीन पॉइंट लेना होता है, एक दो और ऐसा तीन। और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं आर्क में। आर्क में एक दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर और एंड। इसको हम लेते हैं, ये हमने स्टार्ट किया, सेंटर लिया और ये
एंड पॉइंट ले लिया, तो ये ऐसा एक आर्क बना देता है, स्टार्ट सेंटर एंगल। ये देख लेते हैं, ये स्टार्ट किया हमने, ये आपको एंगल पूछ रहा है ऐसा। ये मान लो मैं 45 डिग्री एंगल कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो इसने 45 डिग्री एंगल पे आर्क बनाया है। ये हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ मैं और इसके सेंटर पॉइंट से एक ऐसा लाइन बना लेता हूँ। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, यहाँ से चेक कर लेते हैं एंगल। ये तो आप देखेंगे कि आपको 45 डिग्री का एंगल में एक आर्क ऐसा मिल गया। आर्क में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलग-अलग, आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ में, कंटिन्यू, ये अलग-अलग हैं। तो सिंपल सा अगर आर्क बनाना है तो उसके लिए बेसिक कमांड जो है ARC कीबोर्ड से ARC लेते हैं, एंटर कर देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों और क्या कमांड है। उसके बाद एक कमांड होता है सिंपल सा पॉइंट बनाने का, जिसका शॉर्टकट की है PO। PO एंटर करेंगे सरफेस पे, हम सेलेक्ट कर देंगे तो एक पॉइंट ऐसा बन जाता है। ये PO करना है, एंटर करना है और ऐसा सरफेस पे पॉइंट लेना है। पॉइंट मतलब एक छोटा सा डॉट जो है, एक ऑब्जेक्ट है ये भी, तो ये ऑब्जेक्ट भी हम PO एंटर से पॉइंट कमांड लेके एक पॉइंट बना लेते हैं सरफेस पे। उसके बाद एक दोस्तों एक ऑप्शन होता है डोनट कमांड का, जिसका शॉर्टकट की है DO। DO एंटर करना है आपको, एक पॉइंट सरफेस पे लेना है। दूसरा और ये तीसरा, तो ये ऐसा आउटर रिंग, ये रिंग शेप वाले जो होते हैं, बीच से हॉलो होता है, सॉलिड सर्कल होता है बीच में हॉलो होता है, उसको डोनट शेप बोलते हैं। तो ये ऐसा आप डोनट ऑब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, DO किया, एंटर किए, स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर। तो ये इनसाइड डायमीटर पूछ रहा है, तो हम यहाँ इनसाइड डायमीटर ले लेते हैं, मान लो मैंने 7 फीट लिया, एंटर। स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, तो यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर ले लेता हूँ मैं 10 फीट, एंटर। ये हो गया एक आउटर और इनर डायमीटर का डोनट। ये आप देख सकते हैं कि ये थिक थिक लाइन है एक्चुअली में, तो ये इनर आउटर जो सर्कल होता है वो सेंटर पॉइंट से यहां तक होता है। तो ये इनर आउटर डायमीटर वाला एक डोनट ऑब्जेक्ट बन गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको कमांड बताया, टेक्स्ट कमांड बताए हैं। टेक्स्ट में दो टाइप का टेक्स्ट बताया है, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। मल्टी लाइन टेक्स्ट इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन आ जाता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट बताया आपको मैंने, सिंगल लाइन टेक्स्ट बताया, पॉइंट कमांड बताया, आर कमांड बताया और डोनट कमांड बताया मैंने। तो दोस्तों ये इतने सारे कमांड्स जो आज मैंने बताए हैं वो आप बिल्कुल भी आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसान है। डोनट के लिए DO होता है शॉर्टकट, आर्क के लिए ARC होता है, पॉइंट के लिए PO होता है शॉर्टकट, और मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट कमांड के लिए T होता है। अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड यूज करना है तो आपको ड्रा में जाके टेक्स्ट में यहां से सिंगल लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहां से आप एक सरफेस पे पॉइंट लेके ऐसा एंटर कर देंगे, तो ये आपके कमांड्स मैंने लिख दिया है। जूम कर देता हूँ, जेड एंटर, ये एंटर से पूरा स्क्रीन पे हमारे ड्राइंग को ले आएगा।
तो फ्रेंड्स आज के ये कमांड्स हैं बहुत आसानी हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट वाले कमांड हैं, ड्रॉ टूल बार से आते हैं। अगले अपने लेक्चर्स में मैं मॉडिफाइड टूल बार्स बताऊंगा आपको। उसके लिए आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल IIM ऑटोकैड देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ के लिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपडेट आए तो आप उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।